अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की यू वीडियो है कोई ख़ास टॉपिक के बारे में नहीं है, लेकिन आप हम सब और आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती वीडियो है कि आप मेरे तरफ से आप लोगों को, आपके माजस ख़ानदान को और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर है, ख़ासकर मुसाफिर है, ओमान में है, मस्कत में है, दुबई में, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और जिन जिन कंट्री में यूके में है, सबको मेरे तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला करे कि ये ईद आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और और आप लोगों की हर किस्म की शरी हाजत, दिली तमन्ना अल्लाह ताला इस ईद मुबारक में पूरी कर दे। जो दूसरी बात है, जो सबसे अहम और बहुत अहमियत वाली बात है कि इस ईद के मौके पर हम लोगों को चाहिए, हम सब को चाहिए कि जो हमारे गरीब दोस्त हैं और हमारे नाचार और मुफलिस लोग हैं, उनके साथ हम भरपूर तौर पर माली तावन करें और उनके बच्चों का ख्याल रखें, ताकि उनके बच्चे और हमारे बच्चों में कोई फ़र्क ना रहे और वो भी इस तरह ईद मनाएं जिस तरह हमारे बच्चे ईद मनाते हैं, और उनको कोई कमी महसूस ना हो कि वह परेशान हो जाए, ताकि वो खफा हो जाए। हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह जिस तरह हमारे बच्चे और हमारे जो पड़ोस के बच्चे हैं वो भी एक दूसरे के एक ही लग जाए और उनको इनका ख्याल ये ना आए कि हमारा ईद नहीं है या हमारे पास ईद की जो चीज़ की कोई कमी है, हम उनको महसूस नहीं करना चाहिए और उनको भरपूर तौर पर माली मदद करनी चाहिए। और तीसरी बात, वो भी बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत अहम बात है, आप लोगों के जहन में मैं वो बात लाना चाहता हूँ कि जो ईद उल अज़हा है वो ख़ासतर जो सुन्नत इब्राहिमी है उनके लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है कि उनके दिन उसके ये दिन इस दिन लोग कुर्बानी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं इनमें गाय, भैंस, बकरी वगैरह लोग कुर्बानी करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये गोश्त जो है वह हम तीन हिस्सों में तकसीम कर दें। सिंपल सी बात है, और इन्हीं तीन हिस्सों के मुताबिक वो गोश्त को तकसीम कर दें। एक अपने घर के लिए हिस्सा रखें, और दूसरी बात ये है कि वो आपके करीबी जो रिश्तेदार है जिन्होंने कुर्बानी नहीं किए उनके लिए एक हिस्सा मुख्तस कर दें, और तीसरी हिस्सा जो है वो जनरल आम लोगों के लिए जो जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको तकसीम कर दे। सिंपल बात हो गई, तीन हिस्सों में अपने हिस्से के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, और तीसरा हिस्सा जो जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है और सब लोगों के लिए जो आए उनको तकसीम कर दे। और जिन लोगों ने कुर्बानी की है अल्लाह ताला उनकी सब की कुर्बानी को बारी बारगाह इलाही में वो कबूल फरमाए, और आपकी कुर्बानी है रोज़ क़यामत आपके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने।